नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। हमारी आज की नायक एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी महिला है जो भारतीय नहीं थी, यहां पैदा भी नहीं हुई थी, लेकिन जिन्होंने भारत आते ही यह ऐलान कर दिया था कि भारत में मैंने अपना जीवन एक लक्ष्य के लिए समर्पित कर दिया है, और वो लक्ष्य है भारत को उसकी प्राचीन स्वतंत्रता वापस दिलाना। वो ब्रिटिश थीं, लेकिन लड़ी हमेशा भारतीय आजादी के लिए। उन्होंने पहली बार भारतीय महिलाओं को उनका हक समझाया। जी हाँ, सही समझे हैं आप, हमारी आज की नायक हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक भारत में एनी बेसेंट। नायक जानेंगे आज कि कैसे महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली एक योद्धा बनी एनी बेसेंट, और कैसे एक ब्रिटिश महिला होते हुए भी एनी बेसेंट ने बुलंद किया भारतीय आजादी का झंडा, और साथ ही बात करेंगे कि कैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की नींव रखने वालों में से एक थी श्रीमती एनी बेसेंट, और कैसे भारतीय होम रूल आंदोलन, इंडियन होम रूल मूवमेंट को भी एनी बेसेंट ने अपने प्रयासों से मजबूती दी। एनी बेसेंट का जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1847 में लंदन, यूके में, और मृत्यु हुई उनकी 20 सितंबर 1933 को मद्रास में, भारत में। वो प्रसिद्ध ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकारों की समर्थक, थियोसॉफिस्ट, लेखक और वक्ता होने के साथ साथ आयरिश और भारतीय आजादी की भी प्रबल समर्थक थी। 20 साल की उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी फ्रैंक बेसेंट से, लेकिन फिर कुछ मतभेदों की वजह से दोनों जल्द ही अलग हो गए। 1890 में एनी बेसेंट संपर्क में आई हेलेना ब्लावत्स्की के, जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी 15 साल पहले न्यूयॉर्क सिटी में। एनी बेसेंट भी इस सोसाइटी की सदस्य बन गई और थियोसॉफी के काम से जुड़ गई। थियोसॉफी की उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द से है, और अगर आसान शब्दों में इसको समझाया जाए तो एंशियंट, प्राचीन ज्ञान या विजडम की तलाश धार्मिक रास्ते के द्वारा कैसे की जाए, इसी को थियोसॉफी कहते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी से जब जुड़ गई एनी बेसेंट, तो उसी के कामकाज के सिलसिले में वो पहली बार 1898 में भारत आई। 1907 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बन गई, और फिर धीरे धीरे भारतीय राजनीति और भारतीय राजनेताओं के संपर्क में आने लगी। उनके जीवन में परिवर्तन 1890 के बाद आया, जब उनकी मुलाकात थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका हेलेना ब्लावत्स्की से हुई। धीरे धीरे एनी बेसेंट ने फेबियन सोसाइटी और मार्क्सवाद से अपने सारे संबंध तोड़ लिए और पूरी तरह से डूब गई थियोसॉफी के काम में। थियोसॉफी की कहीं भी कॉन्फ्रेंस होती, सेमिनार होती, तो एनी बेसेंट एक प्रमुख वक्ता की तरह से जाती और थियोसॉफिकल सोच के बारे में, इस फलसफे के बारे में अपने विचारों को सबके साथ बांटती। 1891 के बाद से एनी बेसेंट की पहचान दुनिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रमुख नेतृत्वकर्ता के रूप में होने लगी, और दुनिया के बड़े बड़े शहरों में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स होती थी, उसमें वो जरूर जाया करती थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर की तरह ही वो भारत आई 1898 में, और फिर उनका जुड़ाव शुरू हुआ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ। 1916 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। एनी बेसेंट दिसंबर में एक साल के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कठिन संघर्ष किया और भारत की स्वतंत्रता की मांग करते हुए अनेक पत्र और लेख लिखे, जो न सिर्फ भारत में बल्कि इंग्लैंड में भी छपे। वो गहराई के साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई थीं, और भारत को एक आज़ाद देश बनाने के लिए उन्होंने कई मुहिम छेड़ी। वो भारतीय लोगों, संस्कृति और परंपराओं से प्रेम करती थीं। बहुत विश्वास था उन्हें भारतीय संस्कृति, यहाँ के सोच पर। एनी बेसेंट के ओजपूर्ण भाषण भारतीयों में एक नया जोश भर दिया करते थे।
महात्मा गांधी ने तो उनके बारे में एक बार कहा था कि एनी बेसेंट वो शख्सियत हैं, वो महिला हैं जिन्होंने गहरी नींद में सोए भारतीयों को जगाया है। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट चुनी गई। उन्होंने भारत में महिला अधिकारों, मजदूरों के अधिकारों, धर्मनिरपेक्षता और फेबियन समाजवाद जैसे कई मुद्दों का परचम बुलंद किया। तो किस तरह की समानता थी महात्मा गांधी और एनी बेसेंट के विचारों में? दोनों ही भारत की आजादी के पक्षधर थे, दोनों ही महिलाओं के हितों के पक्षधर थे और दोनों ही समाज में पिछड़े वर्ग की, दबे हुए लोगों की, कुचले हुए शोषित वर्ग की आवाज उठाने में ताउम्र यकीन रखते रहे। एनी बेसेंट और महात्मा गांधी दोनों ही जात पात के खिलाफ थे। छुआछूत का भी उन्होंने हमेशा विरोध किया। दोनों का मानना था कि जब तक भारतीय लोग इस तरह की बातों में उलझे रहेंगे, देश को वास्तविक आजादी कभी नहीं मिल पाएगी। समाज भारत का हमेशा बटा रहेगा, बिखरा रहेगा। महात्मा गांधी और एनी बेसेंट दोनों का ही ये मत था कि बाल विवाह नहीं होने चाहिए। जब तक पुरुष और स्त्री मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं हो, विवाह कभी नहीं होना चाहिए। वह जानती थी कि समाज का, परिवार का उत्थान तभी संभव है जब महिलाएं भी शिक्षित हों, उनका भी समुचित विकास हो। विदेश में पैदा होने के बावजूद एनी बेसेंट ने भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और भारतीय सोच को अपने जीवन में ढाल लिया था और ताउम्र मरते दम तक, अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने भारत और भारत के लोगों के लिए ही अपना जीवन समर्पित किया। 1898 में भारत आ गई एनी बेसेंट ने भारत के लिए और भारतवासियों के लिए कई बड़े काम किए। 1917 में तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। उससे एक साल पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर उन्होंने होम रूल आंदोलन की शुरुआत भी की। इसके अतिरिक्त भी समाज सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में एनी बेसेंट का कंट्रीब्यूशन बहुत अहम है। एनी बेसेंट ने 1889 में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य था धर्म निरपेक्षता का प्रसार करना और आने वाले समय में यही केंद्रीय हिंदू कॉलेज बन गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। एनी बेसेंट महिला अधिकारों की भी पक्षधर थीं और इसलिए वो महिला शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत रुचि रखती थीं। महिलाओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से ही उन्होंने वाराणसी में 1913 में वसंता कॉलेज की भी स्थापना की। आज भी ये कॉलेज भारत में महिला शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है। 1916 से 1918 के बीच जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था, उस दौर में भारत के कई बड़े नेताओं ने मिलकर एक राष्ट्रीय गठबंधन की स्थापना की। इन नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, एस सुब्रमण्यम अय्यर, जोसेफ बपिस्टा, जी एस खारपड़े, मोहम्मद अली जिन्ना और थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष एनी बेसेंट भी शामिल थी। इस गठबंधन को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार से भारत के लिए स्वायत्त सरकार को प्राप्त करना। एनी बेसेंट ने इस लीग के उद्देश्य को सफल बनाने के हर संभव प्रयास किए और नींव रखी इन दूसरे नेताओं के साथ मिलकर भारतीय होम रूल आंदोलन की। तो ये थी हमारी आज की नायक, एक ऐसी ब्रिटिश महिला जिन्होंने एक लंबा वक्त भारत में गुजारा, अपने प्राण यहां त्यागे और जीवन भर भारतीय स्वाभिमान के लिए संघर्षरत रही। कल बात करेंगे नायक में हम भारत के एक ऐसे वीर सपूत की जिसकी आज भी जब चर्चा होती है तो जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हां, कल शाम हमारे नायक होंगे परमवीर चक्र विजेता, अमर शहीद, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। तो जुड़ना ना भूलिएगा कल शाम 8 बजे। फिलहाल मुझे संजीव श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन।